बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में कोविड से कोहराम मचा हुआ है और हमारे ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं ऑल इज वेल। राजभवन ने जम्मू कश्मीर के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दी, लेकिन वैक्सीनेशन कहीं अवेलेबल नहीं है और हमारे ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं ऑल इज वेल। कश्मीर में कोविड का मरीज जो सांस लेने के लिए सिसक सिसक के मर रहा है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत है, जब वो परमिशन देंगे तब वो सांस ले सकेगा, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं ऑल इज वेल। जम्मू में नंबर ऑफ केसेस कोविड के कम है, लेकिन मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, नेशनल लेवल से भी ज्यादा है, तकरीबन 2% 3% के करीब चल रही है, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट का फरमान आ रहा है कि ऑल इज वेल। जम्मू कश्मीर दोनों कोहराम में इस वक्त, कश्मीर के जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है वो जम्मू शिफ्ट किए जा रहे और हमारे ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं ऑल इज वेल। ये ब्यूरोक्रेसी का जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ऑल इज वेल का मामला बन गया है, मुझे लगता है कि ये आमिर खान की उस 3 इडियट पिक्चर से इतना इंस्पायर हो रहे हैं कि ये हर तरफ चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। ऐसी चमत्कारी ब्यूरोक्रेसी तो शायद पिछले 70 साल में भी नहीं थी जैसी इस वक्त काम कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर कोहराम में। अब एक नई साजिश इस मामले में शुरू हुई है कि अब जम्मू को कश्मीर से इस कोहराम के दौरान, जब जम्मू का भाई डोगरा भाई भी मर रहा है, कश्मीर का भाई भी मर रहा है, इस वक्त दोनों को लड़ाने की एक साजिश हो रही है, और वो साजिश अपेरेंटली कहां से दिख रही है, वो कॉन्स्पिरेसी कहां से आ रही है, वो हमारे ही कुछ ब्यूरोक्रेटिक सर्कल से आ रही है। तो इस कोहराम में जम्मू को कश्मीर से लड़वाना, अपने काम को ढंग से नहीं करना, और इसके बजाय कि ये ब्यूरोक्रेट शर्मिंदा हों कि इनने लोगों को मुसीबत में डाला, ये अब लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमने बहुत ही एक स्पेशल डिबेट का इनेकाद किया, और इस डिबेट में जो इनवाइटीज हैं, जाने माने चेहरे हैं, बहुत ही अच्छा विजन रखते हैं और बहुत ही गहरी नजर रखते हैं मामलात पे, तो इनका तारुफ आपको दे दूं। सबसे पहले आज मैं जिनका तारुफ आपको दूंगा, वो डिबेट्स में आते नहीं, उनको हमने रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है, राजेंद्र रैना साहब, कश्मीरी पंडित हैं, 90s में इन्हें कश्मीर से माइग्रेट करना पड़ा मजबूरी तौर, जो हालात हुए, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं, REC पास आउट हैं, दिल्ली में रहते हैं, 20 साल के करीब इन्होंने एस्कॉट में काम किया है, बाकी मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं और पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हालांकि मेरा इनके साथ ऑलवेज ये होता है कि वी अग्री टू डिसअग्री, हम बातों पे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये गहरी नजर रखते हैं और जो आर्ग्यूमेंट देते हैं बड़े ही फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लॉजिकली अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं। इनके साथ हमारे साथ जम्मू के आज एक और गेस्ट हैं, रजन गांधी साहब। रजन गांधी साहब कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इत्तेफाक से ये भी बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर हैं और ये भी REC श्रीनगर के ही एल्यूमना हैं। अब इनके बाद जो चेहरा है, जिनको कि हम बिजनेस लीडर भी कहते हैं, टीवी पैनलिस्ट भी हैं, इफ्तिखार मिसगर साहब, और एक चेहरा तो ऐसा है कि जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, इनामुल नबी, पॉलिटिकल सोशल एनालिस्ट, कश्मीर की बड़ी फिरोशियस आवाज, जिन्हें माना जाता है इनामुल नबी साहब। आप सबों का आज की डिबेट पे खैर मकदम। नाज़रीन, आज की डिबेट की आगाज जो है वो हम कश्मीर की दर्द की कहानी से नहीं करेंगे, आज हम जम्मू की दर्द भरी कहानी सुनेंगे। रजन गांधी साहब, क्या हो रहा है जम्मू में, ये क्या मामला है कि आपके नंबर ऑफ केसेस कम है लेकिन लोग सिसक सिसक के मर रहे हैं, सरकार ऑर्डर प्रोब कर रही है कि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, और क्या ये लोगों की गलती है कि इंतजामिया की गलती है वहां? तुसी सानू दसो जेड़ी लैंग्वेज तुहानू फीजेबल लगती है, पंजाबी विच गल करनी है, उर्दू विच, हिंदी विच, जेड़ी लैंग्वेज तुहानू पसंद है। नहीं, आदाब कश्मीर के नाजरीन के लिए और नमस्कार जम्मू वालों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है जी, देखे ये जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू, इस नैरेटिव में हम पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। जम्मू वाले भी इंसान हैं, कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं, इंसान हैं। हर इंसान की लाइफ की कीमत उतनी ही है जितनी जम्मू वाले की है, उतनी ही कश्मीरी भाई की। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में चलें, हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं महाराजा के टाइम, SMGS हॉस्पिटल कश्मीर, SMGS हॉस्पिटल जम्मू, उसके बाद आपका GMC बना, GMC कश्मीर, GMC जम्मू। कश्मीर में एक हमें एम्स टाइप का इंस्टीट्यूट जरूर मिला जिसको हम सौराष्ट्र गेम्स कहते हैं, बट जम्मू में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर DMC नहीं।
रात को कोई रात को वोल्टेज कोई फ्लक्चुएशन वोल्टेज होती है या फ्लक्चुएशन होती है क्या या है, या क्या है, प्रेशर कम होता प्रेशर है कम कीपिंग होता इन है व्यू द कीपिंग बेड्स, इन व्यू द बेड्स, आपके सरप्लस है, सरप्लस है, पेशेंट ज्यादा पेशेंट है, ज्यादा है, उस सप्लाई आपकी सप्लाई डिस्टर्ब आपकी होती डिस्टर्ब है, होती जो है, हमने सुना जो है, हमने जो सुना हमारे भी है, जो पेशेंट्स हमारे रहे भी हैं। पेशेंट्स रहे हैं। और जब और तक जब तक आप इमेजिन आप करिए कि इमेजिन एक करिए कि इंसान एक जो इंसान वेंटिलेटर जो पे है वेंटिलेटर पे है और आप और उसकी आप ऑक्सीजन उसकी सप्लाई ही ऑक्सीजन बंद कर सप्लाई देते ही हैं बंद फॉर कर 5 मिनट्स, देते हैं टेन फॉर फाइव मिनट्स और मिनट्स टेन थ्री मिनट्स मिनट्स और थ्री मिनट्स तो वो तो तो वो गया तो ही गया गया ही है। गया और प्रैक्टिकली आपकी प्रैक्टिकली कोई आपकी लॉग बुक कोई लॉग मेंटेन बुक नहीं है, मेंटेन कोई नहीं आपका है, कोई सीसीटीवी आपका फुटेज सीसीटीवी नहीं है फुटेज जहां से नहीं आप है जहां से मॉनिटर आप कर पाओ। मॉनिटर कर आप पाओ बड़ी बड़ी आप बातें बड़ी कर बड़ी रहे हो बातें जी, कर 100 रहे हो जी, प्रोग्राम हंड्रेड हमने प्रोग्राम ऑक्सीजन हमने प्लांट लगा ऑक्सीजन दिया प्लांट है, लगा ये कर दिया है, दिया है, ये वो कर कर दिया दिया है, है, तूफान खड़ा तूफान कर खड़ा दिया कर है, दिया है, लेकिन लेकिन ऑन ऑन ग्राउंड ग्राउंड आपने आपने क्या क्या किया? किया? आपने एक आपने साल में एक तीन साल में प्रिंसिपल तीन चेंज प्रिंसिपल किए, चेंज किए, आपने छह आपने छह एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर एडमिनिस्ट्रेटर लिए, चेंज कर लिए, वन एडमिनिस्ट्रेटर, वन लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हैज बीन विद इन चेंज 15 डेज। विद इन 15 डेज। उससे पहले वाले उससे आपने पहले तीन वाले महीने आपने में तीन चेंज कर महीने में दिए, चेंज उससे कर पहले दिए, वाले उससे आपने पहले चार वाले महीने आपने में चार चेंज कर महीने में दिए, चेंज कर दिए। आप क्या दिखाना क्या चाहते हो? दिखाना चाहते हो? क्या प्लानिंग है क्या आपकी? प्लानिंग जब है आपकी? आपकी जब आपकी कॉन्टिन्यूशन ही कोई कॉन्टिन्यूशन ही नहीं कोई है, नहीं कोई है, कोई सिस्टम सिस्टम ऑफ प्लान नहीं है, ऑफ कोई प्लान सिस्टम नहीं है, ऑफ कोई स्कीम्स सिस्टम नहीं ऑफ है, स्कीम्स नहीं है, आप उसको आगे आप कैसे उसको लेके आगे जाओ? कैसे लेके जाओ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी सेकेंड वेव आई, जो जो जम्मू में इस वक्त ब्लड बाथ हो रहा है कोविड का, एक साल से ज्यादा का समय सरकार के पास, अफसरों के पास था, तो क्या किए हैं आपके अफसरों ने एक साल से? तो यही यही तो क्वेश्चन यही है, तो क्वेश्चन किया है है, उसमें किया आते है हैं ना। उसमें अब आते हैं ना, अब कमिश्नर सेक्रेटरी कमिश्नर पिछले चार सेक्रेटरी साल पिछले से चार साल से आपके आपके सेम सेम यही है, यही डुलू है, साहब है हैं, दुलू साहब, इससे पहले भी इससे वो रहे पहले भी हैं वो हेल्थ रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी कमिश्नर हेल्थ एंड सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन मेडिकल के, एजुकेशन। ही नोज ही निट्स एंड नोज ग्रिट्स, निट्स ऐसा एंड नहीं है ग्रिट्स, कि उनको ऐसा नहीं नहीं है कि मालूम है उनको क्या नहीं है मालूम क्या है क्या नहीं है है क्या क्या है है क्या कैसे है करना है क्या कैसे है नहीं क्या करना। है क्या है। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है ये है कि कि आप जब आप प्रोफेशनल जब अप्रोच प्रोफेशनल रखोगे अप्रोच ही, रखोगे आप बिलीव आप करते हो एक बिलीव नी करते हो जर्क एक नी रिएक्शन जर्क। में। इफ्तिखार साहब आप मुझे बताइए, आप तो शायद आपके अनंतनाग में थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, तो आप शायद आज चुप्पी धारे बैठे हुए, पिछले दिनों से आप कुछ खास लिख भी नहीं रहे इस मामले पे, क्या स्टैंड है आपका? नहीं पता नहीं आपने कहाँ से और कौन से और कौन से तरीकेकार से ये जान लिया तरीकेकार कि से ये अनंतनाग जान में लिया सब कि कुछ अनंतनाग कुशल में मंगल सब है, कुछ कुशल मंगल है, तो ये तो आप खुद तो ही ये आपकी आपकी जबानी में सुन जबानी रहा हूँ। में सुन रहा हूँ, जहां तक अनंतनाग जहां की तक बात अनंतनाग है, की बात पर्टिकुलरली है पर्टिकुलरली अनंतनाग में अनंतनाग में हालात बहुत खराब हालात है, बहुत खराब है, कोविड से कोविड आज से तक आज इतने तक लोग मारे इतने गए लोग मारे अनंतनाग गए में, क्योंकि अनंतनाग, देखिए क्योंकि देखिए हमने तो, हमारी हमने सरकारों तो ने तो हमारी यही सरकारों सीखा है ने कि तो यही फिगर्स सीखा है कि को फिगर्स को सबसाइड कर लेते हैं, सबसाइड कर एक्चुअल लेते फिगर हैं, आपके पास एक्चुअल नहीं फिगर आपके आता है। पास नहीं आता, देखिए यहाँ पे इन्होंने आज इन्होंने नया इन्होंने ट्रेंड आज कर नया दिया है कि ट्रेंड अगर कर कोविड दिया कि अगर पेशेंट कोविड एडमिट हो पेशेंट रहा है एडमिट हो रहा है उसको बेचारे को उसको ऑक्सीजन तो बेचारे वहां को मिलता ऑक्सीजन नहीं है, तो बाकी मिलता कोई नहीं है, फैसिलिटी बाकी कोई मिलती नहीं है, फैसिलिटी हाँ उसको मिलती क्या नहीं किया है, जाता है कि उसको उसको क्या ट्रॉप किया की जाता है टेस्ट कि उसको ट्रॉप की करके टेस्ट करके हार्ट अटैक हार्ट दिखाया अटैक जाता है, दिखाया जब जाता है, उसका जब गॉड उसका फॉरबिड गॉड मृत्यु हो फॉरबिड जाता है मृत्यु तो हो जाता है उसको तो उसको हार्ट अटैक दिखा हार्ट के अटैक ये अवॉइड दिखा कर के लिया ये जाता अवॉइड है कर कि ये लिया जाता है कोविड कि की ये डेथ कोविड नहीं की है, डेथ जबकि नहीं है, जबकि जब जब हमने बहुत हमने सारे, बहुत हमारे सारे नेबरहुड नेबरहुड में में लोग लोग थे, थे, हमारे हमारे लोकल लोकल विसिनिटी विसिनिटी में में लोग लोग थे, थे, जब 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 भी भी हमने हमने किसी किसी से से बात बात करी करी तो तो 100% वो हंड्रेड कोविड परसेंट पेशेंट थे वो और कोविड पेशेंट थे कोविड और की वजह से उनकी उनका वजह से उनका मौत वाका मौत हुई, वाका हुई, जो जो फिगर्स फिगर्स आपके आपके पास पास आज आज की की डेट डेट में में भी भी नहीं नहीं है। है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन जैसे आपने कल जैसे फिगर आपने देखा, कल फिगर जीरो देखा वैक्सीनेशन, जीरो तो वैक्सीनेशन, आप कैसे तो बोल आप रहे हैं कैसे बोल अनंतनाग रहे हैं कुशल कि मंगल अनंतनाग है? कुशल कहीं मंगल कुशल है? मंगल नहीं है। कुशल हाँ मंगल नहीं है, जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, ये रिमोट कंट्रोल पे टॉय काम करने वाले लोग हैं, इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और बैठा है, इनके हक की हदूद में तो कुछ भी नहीं है। 300 अगर हटने के बाद इनके इंक्रीमेंट्स बढ़ गए, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई, तो दे आर हैप्पी विद दैट, अदरवाइज आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली नए कश्मीर में हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन कहीं नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटी कहीं नहीं। अभी हमारे गांधी साहब ने बोला कि महाराजा हरीत सिंह ने दे दिया, कुछ जम्मू में अगर कुछ महाराजा हरीत सिंह ने दे दिया, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल है शहरी कश्मीर के टाइम के हैं, जो जिनको आज ये बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन सरकारों ने क्या किया है, आप मुझे बताएं अब इतने सालों से ये लोग हैं, इन्होंने क्या करा? देखिए ये प्रॉब्लम खाली जम्मू कश्मीर की नहीं है, ओवरऑल मुल्क की प्रॉब्लम है और मुल्क को बहुत ही गलत दिशा की ओर लिया जा रहा है। आज देखिए आप वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, बूंद वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, और आज हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बोल रहे हैं कि वो बड़े शान वो शान में बोल रहे हैं कि हमने उतना वैक्सीन दूसरे मुल्कों को दे दिया जितना हमने अपने लोगों को नहीं दिया। अरे
इसको कश्मीरी में बोलते हैं कि गाय में वाइट लकन था करम था, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहां बटोरने गए थे? अरे अपने लोगों के लिए रखिए रखता। हमने देखा लाशें गंगा में बहती हुई, हमने देखा लोग मरते हुए, शमशान घाटों में जगह नहीं, मजारों में जगह नहीं, लोग परेशान। खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, लोग पूरे हिंदुस्तान में, जो यूपी इनका घर माना जाता है सरकार का, उस यूपी का हाल इतना बदतरीन है, बदतर है। कहां है सरकार? इस सरकार को डायरेक्टली लुक आफ्टर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां है? आज तक आपने देखा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए? नहीं आए। अरे मन की बात और इन चीजों से काम नहीं चलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जर्नलिस्ट है, आप उनसे सवाल पूछते, वो आपको जवाब देते। ये सारा डेड सिस्टम है। मुल्क को इन्होंने बदतरीन हालत में कर दिया। तो हम तो बदतरीन थे ही, हमें तो बदतरीन इन्होंने 2019 में ही कर दिया था। और बाकी जो आप इनपे इल्जाम लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो पेटेक्स है सर। इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, इनको तो अपने हद हदूद में क्या है, इनको एक कुछ नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑल डेड वुड्स, दे आर प्लेइंग इन आवर लाइफ, दे आर डाइड। हमारा सेकंड डोज नहीं, फर्स्ट डोज नहीं, कभी कोविशील्ड, कभी कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं है। लोगों को इन्होंने मरने पे छोड़ दिया है, चाहे अनंतनाग हो, चाहे सोपोर हो, चाहे बारामूला हो, चाहे कुपवाड़ा हो। और आप श्रीनगर का देख लीजिए, 33% टोटल वैक्सीनेशन हुआ है आज की डेट, 96% हुआ है कहीं एक एरिया में, बाकी यही 33%, 34%, 35% यही हाल अनंतनाग का है, यही हाल जम्मू का भी है, जम्मू प्रोविंस का भी यही हाल है। चलिए उन्होंने तो पटाखे शटाखे फोड़ दिए थे किंगर गद्दर के, आज तो हर एक घर में पटाखे फूट रहे हैं। वहां पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो हम डर रहे हैं, लोगों को भय है। आप डंडे के डंडे के दो पे कब तक हमें चुप करवाते रहेंगे? आज हमारे जालू पे आया हुआ है। आपने विस्ता देखिए, विस्ता प्रोजेक्ट पे आप हजारों करोड़ लगा रहे हैं, आपके मुल्क में इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, आप पैसा नहीं लगा रहे, आप नहीं लगाना चाहते डेवलपमेंट के किसी काम को जो इतना महत्व नहीं रखता है, उसको डाइवर्ट करके हेल्थ सेगमेंट में आप लगा रहे हैं। आप हजारों करोड़ रुपया विस्ता प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं और आपको लोगों की जान की नहीं पड़ी है? अरे हमारा छोड़ दीजिए ना साहब, आप यूपी के लोगों को बचाइए। अब बाकी ये लोग हमारा तो हमें आपने बचाए ही कब? आपने हमारे बचाने की कोशिश ही कब करी? आप तो हमारे मरने पे तुले थे, तो हमें तो गिला कुछ भी नहीं। नहीं इफ्तिखार साहब, आपने, मैं आपकी बात बड़ा गौर से सुन रहा था। आप तो, आपको आदत है तनकीद करने की भी, मुझे मजाक भी बनाने की, बाकी चीजों में उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ा ही, बहुत बड़ी बात इस डिबेट में कही। आपने कहा कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो डेथ्स हो रही है कोविड की, उनको बताया जा रहा है हार्ट अटैक, वहां पे डेथ रेट कम दिखाई जा रही है, बहुत ही बड़ा मामला है। इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या कोविड मरीज को अब इतना ज्यादा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे काम कर रही है कि अब कोविड मरीज को हार्ट अटैक का केस दिखा करके कैजुअलिटीज कम दिखाई जा रही है कश्मीर में। राजेंद्र रैना साहब के तरफ सवाल ले जाएंगे। राजेंद्र रैना साहब, 370 हटने पर तब तक भाजपा रो रही थी दिन रात, 70 साल का भ्रष्टाचार, डायनास्ट, खानदानी राज इन्होंने बर्बाद किया। पिछले 3 साल से यहाँ अफसरशाही चल रही है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड अफसरशाही जम्मू कश्मीर में चल रही है। करप्शन ऐसा है कि बिहार में इनॉग्रेशन के बाद पुल टूटता है, यहाँ पे इनॉग्रेशन से पहले ही करप्शन ऐसा है कि अब पुल गिर जाता है। ये 3 साल की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। आज नया कश्मीर का ऐसा ख्वाब है कि कश्मीर में ही लोग सिर्फ सिसक सिसक के नहीं मर रहे, जम्मू में भी सिसक सिसक के मर रहे हैं, बल्कि जम्मू में जो डेथ रेट है वो कश्मीर से भी ज्यादा है। क्या यही नया कश्मीर है, या के ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स राजभवन को सबोटॉज करना चाह रहे हैं? सर सिंपल सवाल है आपसे। पहले तो टू और थ्री थिंग्स, कि द फर्स्ट थिंग वुड बी प्रोबेबली दैट वी स्ट्रक्चर द डिबेट, कि एक उसमें ये करें कि फर्स्ट वी टॉक इंडिपेंडेंटली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉलिंग शॉर्ट जम्मू एंड श्रीनगर, एंड आई एम कीपिंग इट टू द स्टेट। अभी तो इफ्तिखार साहब इसको कनॉट प्लेस तक ले गए, so I'll keep it to JNK right now. So one is that the infrastructure is falling short, woefully falling short. Number two, that whatever infrastructure is there, we have the administration not up to the mark. To me, the biggest problem is that in the times of COVID, how can the health secretary or the health commissioner be the financial commissioner also? He is a distant relation of mine, Mr. Atul Dullu, a highly competent engineer basically from IIT Delhi, topper.
तो वो इतने इनकॉम्पिटेंट कैसे हो गए, नंबर वन. नंबर टू इज दैट व्हाई इज ही बीइंग गिवन टू मेजर चार्जेस, जिनके नीड्स एन इंडिपेंडेंट एंड पर्सन, इट कुड बी अ डॉक्टर विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, बट द हेल्थ इज प्रोबब्ली द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिस टाइम. सो वी नीड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एट द सेक्रेटेरिएट लेवल, इट कुड बी एन इंडिपेंडेंट कमिश्नर ऑफ हेल्थ, not finance and commissioner. What are you trying to undermine? Either the finance or health? ये मुझे समझ नहीं आया. So at the level of administration one, and at the level of whatever infrastructure we have one, is that not much or hardly anything has been added to the infrastructure. And I fully agree with you, Majid Sahab, ki infrastructure में कोई addition नहीं हुआ है, particularly on health front. Number two, between Jammu and Srinagar also, I don't think this is the time to create any distinction, as you very rightly said, both areas are suffering. Number three is that the monitoring of this little, jo bhi jitna hai infrastructure, wo proper nahi ho raha hai. That is, the infrastructure is probably operating at an efficiency of around 70-80%. So let us keep these two, because I am not so deeply in depth into it which you people are. So what is falling short on the infrastructure, where is the secretariat or the entire administration messing it up? Both are woefully falling short of whatever is required. As far as this central vista and all is concerned, I'm going to have one meeting with the telephonic conversation with Mr. Kara, who is the ex member of parliament. Unke saath isse baat honi hai meri. So Iftikhar saab join kar sakte hain usne mere saath. So Tariq Kara saab ke saath baat honi hai meri, because he had raised an issue and I told him there are reasons. Ki kaam band nahi ho sakte sir. 1,30,000, 1,40,000 crore ka jab tak paisa aapka tax ka nahi aayega, how do you fund rest of this? आपके लेबर चल रहे हैं यहाँ पे, कंपनी चल रही है, आपका जेड मोड का टनल बन रहा है, दिस नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज इकोनॉमी हैज टू रन. बट आई एम कीपिंग दैट डिबेट आउट ऑफ इट राइट नाउ. यस, आई फुली एग्री विद दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. एट टू मी एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉलिंग वोफुली शॉर्ट. एंड इफ यू से दैट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एलजी साहब कर रहे हैं, आई फुली एंडोर. But somewhere the health commissioner has to be independent and he has to be audited every third day. He has to be accountable. To be honest, I'm not able to see him. He's not visible on the ground. So to me, this is a big worry. Please. Rana sahab, you have made a very big statement and a very honest statement. I would say aapne badi imandari se aaj is manch pe baat ki hai ki aap keh rahe hain ki administration kahin na kahin fail ho rahi hai. ऑफिसर्स अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं. यस इनाम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था. इनाम साहब, हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में और आप क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए. देखिए, मैं जो बात आपको बता रहा था वो ये थी कि मैंने वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट को जो एज सिविल सोसाइटी मेंबर, एज ए सिटीजन जो मेरा रोल बनता है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इन माय लिटिल कैपेसिटी. मैंने परसों भी गवर्नमेंट को लिखा कि हम कोविड सेंटर जो है ओपीडीज, डिस्ट्रिक्ट ओपीडीज को डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल ओपीडीज फॉर कोविड सेंटर खोल सकते हैं, कोविड सेंटर खोल सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट में ओपीडी स्पेशल ओपीडी सेंटर्स होने चाहिए. वो ऑनलाइन भी होने चाहिए, वो ऑफलाइन भी होने चाहिए. उससे ये होगा जो उनको कुपवाड़ा से श्रीनगर आना पड़ता है, अनंतनाग से श्रीनगर आना पड़ता है, क्या बोलते हैं कुलगाम से श्रीनगर आना पड़ता है, और उनको बेचारों को इनकन्वीनियंस से वो बच जाएंगे. यहाँ पर उनको कहीं पर बेड नहीं मिलता है, कहीं पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उन चीजों से वो बच जाएंगे. दूसरी बड़ी बात मैंने जो उनको आगाही की जिस बारे में, वो ये था कि ये तो कोविड पेशेंट्स का हाल है, व्हाट अबाउट नॉन कोविड पेशेंट्स, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी इमरजेंसी बढ़ती है. यहाँ पर हर जगह आपको, यहाँ आज यहाँ आम सिटीजन जो है वो घबराता है, अगर उसको नॉन कोविड डिजीज है, मेडिकल इमरजेंसी कोई पड़ती है, वो स्कीम्स नहीं जा सकता है, क्योंकि स्कीम्स में इमरजेंसी में आप कोविड पेशेंट्स मिलेंगे.
वो SMHS नहीं जा सकता है, वहां पर आपको इमरजेंसी में कोविड पेशेंट्स मिलेंगे। वो CD हॉस्पिटल नहीं जा सकता, वो कोविड डिक्लेयर हॉस्पिटल है। वो JVC नहीं जा सकता, वहां पर भी कोविड पेशेंट्स है। लिहाजा मैंने सरकार को ये रिक्वेस्ट की थी, सजेस्ट किया था कि जो प्राइवेट यहाँ पर उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकार को चाहिए वो टेक ओवर करने के लिए फॉर टाइम बीइंग, जब तक ये सेकेंड वेव खत्म होती है, जब तक इसकी इंटेंसिटी खत्म होती है, तब तक वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ले और उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉन कोविड पेशेंट्स को अटेंड करे। उस सिलसिले में मैं बड़ी बात आपके वसादों से सरकार तक पहुंचाऊंगा कि मेरे पास उस स्टेटमेंट के बाद कुछ बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने अप्रोच किया कि हम तैयार है सरकार को मुफ्त ये अपना एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए, ताकि वहां पर वो अपने डॉक्टरों को बिठाकर नॉन कोविड पेशेंट्स को नॉन कोविड पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। ये हम लेमैन हैं एज फार एज मेडिकल स्ट्रीम इज कंसर्न। जब हमारे पास ये अकल आती है कि कोविड और नॉन कोविड को कहां ले सकते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं कि सरकार के ख्याल में क्यों नहीं आता है। ये सरकार खुद भी तो सोच सकती है। नंबर एक। नंबर दो, मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी, अपने सिविल सोसाइटी मेंबर्स का बेहद शुक्र गुजार हूँ। आपने देखा होगा जहाँ सरकार, मैं एक दो चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ऑफिसर बेचारे चुप करके बैठे, नहीं, जितना उनसे हो सकता है। अब छोटा सा ऑफिसर उसकी छोटी सी कैपेसिटी होती है, जो ग्राउंड पर ऑफिसर है उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। लेकिन मैं शुक्र गुजार हूँ अपने बिजनेस कम्युनिटी का कश्मीर में, उन्होंने सरकार की तरफ ना देखते हुए भी अपने इनिशिएटिव्स दिए। हमारे पास कोविड सेंटर्स उन्होंने क्रिएट किए, ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किए। आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने किस तरह यहाँ पर भी कुछ कोविड सेंटर शुरू किए, जहाँ वो हर एक चीज दे रहे हैं, फ्री किचन दे रहे हैं, लॉन्ड्रिंग सर्विस दे रही है, ऑक्सीजन फ्री दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली आपने देखा कि हमारी सबसे बड़ी NGOs अथरोट और SRO है, वो किस तरह उन्होंने हॉस्पिटल, अथरोट वालों ने हज हाउस में हॉस्पिटल, एक मिनी हॉस्पिटल क्रिएट किया। दीज थिंग्स आर हाईली एप्रिशिएबल, जो मैं देखता हूँ कि जम्मू में नहीं है। सॉरी टू से, वो हमारे लोग हैं। हमें फील हो रहा है जब शाम को बुलेटिन आता है, फिर हमें गिनवाया जाता है, यहाँ 40, वहाँ 20, यहाँ 30, वहाँ 40, वहाँ मरे, यहाँ मरे, मरते, मरता तो इंसान है, मरता हम में से कोई है, मरता हम में से कोई है। हमें फील हो रहा है कि अगर हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी आगे आ रही है, यहाँ इंडिविजुअल्स काम कर रहे, चाहे मीडिया पर्सनालिटीज हो, आपका कोई ऐसा ट्वीट ना होगा, दिन में 10, आप भी 10 ट्वीट करते हैं, हर कोई अपनी तरीके से करता है, इफ्तिखार साहब करते होंगे, या रैना साहब है, हमारी हमारे लिए सादत की बात है आज हमारे साथ इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए ये मंच इख्तियार कर दिया। अगर हम सब अपना रोल अदा करें, मैं ये समझने से कहा सुनूं कि जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी कहाँ है। जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी हमारी बिजनेस कम्युनिटी से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनका स्टेटस हमारे बिजनेस कम्युनिटी से बहुत ज्यादा अप है। अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी इतना फेस करके भी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करके भी, टर्माइल फेस करके भी ये चीजें कर सकती है, वो जम्मू में चुप करके क्यों बैठे, वो मेरे लिए तश्वीश है। तश्वीश के नाम साहब, यही सवाल मैं रजन गांधी साहब के पास ले जाऊंगा। रजन गांधी साहब, मुख्तसर अल्फाजों में जवाब दीजिएगा। 370 हटने के बाद आप लोग अभी भी जम्मू की कम्युनिटी इतना ज्यादा खुशियां मनाने में, ढोल बजाने में बिजी है कि आज इन जम्मू में जो हालत है उस पे एक कलेक्टिव रिस्पांस नहीं है बिजनेस कम्युनिटी का? और ये क्या चक्कर चल रहा है सर कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, जम्मू में करवाई जा रही है, जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट ज्यादा दिए जा रहे हैं कश्मीर से? क्या ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और क्या जम्मू का आवाम सोया हुआ है? सॉरी टू से, इसमें मैं दो चीजें बड़ी स्पेसिफिकली बोलूंगा। कुछ चीजों में मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ में नहीं रखता हूँ। जिनमें नहीं रखता हूँ मैं उनको टच ही नहीं करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। अब आप देखिए कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उसमें अपोजिशन का एक रोल होता है। मैं जम्मू के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा तो 70 साल जो आप बोलते हो, 70 साल से एंटी कांग्रेस या PDP की सरकार रही और BJP प्लेड एज ए अपोजिशन पार्टी। अब आज की डेट में प्रोसेस हो गया है रिवर्स, BJP इज अ रूलिंग पार्टी और जम्मू में अपोजिशन कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली चीज। दूसरा है, आप जम्मू की कोई भी एजिटेशन या पॉइंट रेजिंग आप देखेंगे, बार एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और चैम्बर एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले, चाहे आप 2008 की एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, दरबार भोग की एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, या एम्स की एजिटेशन। आज की डेट में आपकी जितनी एसोसिएशन, सॉरी टू से, 12 एसोसिएशन बीजेपी के अंडर, चैम्बर बीजेपी के अंडर। तो जब आपने जो बात बोली कि चैम्बर कहाँ है, बिजनेस कम्युनिटी कहाँ है, अरे भाई अगर आके वो बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, यहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हम पैरेलल सेटअप लगाना चाहते हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस फेलियर ऑफ बीजेपी, बीजेपी रूल। वो कैसे हो? अब इसी में मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। हमारे दो इन सैंक्शन हुए हैं, एक कश्मीर के लिए, एक जम्मू के लिए। दोनों को आपस में लड़वाया, एक जम्मू को सैंक्शन कर दिया, फिर जम्मू वाला कश्मीर ले गए, फिर जम्मू वाले स्ट्राइक पे चले गए, फिर टू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस आ गए। लेकिन हम इस चीज को भूल रहे हैं कि उसी लेटर में आपका बठिंडा का एम्स सैंक्शन हुआ, उसी लेटर के बाद आपका यूपी का एम्स सैंक्शन। बठिंडा का एम्स फंक्शनिंग है, यूपी का एम्स फंक्शन, और हमारे दोनों एम्स आज भी कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है चार दीवारी के अलावा। बहुत सही। आप 7 साल में अगर एक एम्स नहीं बना पाते हो, आप 5 साल में जीएमसी का एक 100 बेड का ब्लॉक बन रहा है वो नहीं बना पाते हो, उसके फंड सरेंडर हो गए, अभी मार्च में उसके फंड सरेंडर हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? नोबडी नोज इट, नोबडी केयर्स। जैसिका वो एक, मैं बड़ी थ्योरी प्रैक्टिकली बोलता हूँ, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, नो वन नोज इट। तो आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करी जा रहे हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिन्हा साहब ने 2 विजिट कर लिए जीएमसी के, भटनागर साहब ने विजिट कर लिया, रैना साहब ने विजिट कर लिया, ग्राउंड पे कोई चीज चेंज हुई? अरे भाई जीएमसी जम्मू आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है, दिस इज द ओनली, बाकी पेरिफेरल के जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो रेफरल हॉस्पिटल, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे जनरेटर नहीं है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है। आप किसी आईसीयू स्पेशलिस्ट से पूछिए, वो आपको बोलेगा हर 10 बेड के लिए आपको एक डॉक्टर चाहिए, 4 आपको नर्सेस या ऑर्डरली का स्टाफ चाहिए, मीन्स 5 आदमी आपको 10 पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए चाहिए। अगर आप उसको 24 आवर में करते हो तो 30 स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू केटर 10 आईसीयू पेशेंट। जब आप 200 बेड का हॉस्पिटल बना के बैठे हो, आपके पास स्टाफ है? वो नहीं है। और उसके ऊपर ट्रेजिक पार्ट देखिए, 500 नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ आपके ही नहीं, डू साहब ने डिसमिस किए लास्ट ईयर। बिल्कुल। आज आप चिल्ला रहे हो कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। आज जीएमसी की प्रिंसिपल कल स्टेटमेंट दे रही है जम्मू की, 250 नर्सेस विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली विद इन 3-4 डेज। आप क्या मैनेजमेंट में हो? कौन है ये? कौन है जो ये प्लानिंग्स कर रहा है बोथ हेड पे? कौन है ये पार्टी? उसी में मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा फ्रॉम कश्मीर पर्सपेक्टिव से। सर मुझे नहीं पता कश्मीर में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, लेकिन जम्मू में आप ये लेके चले, अगर हम चाहें भी किसी कोविड पेशेंट या किसी मेजर सर्जरी के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चलते, क्योंकि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही पहली चीज। लेकिन लकीली मैं कहूंगा कि हमारा जम्मू पठानकोट अमृतसर जलंधर के पास, कश्मीर कहाँ जाए? आपका नेशनल हाईवे 30 में से 20 दिन तो बंद रहता है, किसी को कोई इमरजेंसी हो कुछ हो, मेरा कश्मीरी भाई उठ के कहां? बहुत खूब रजन साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। इफ्तिखार साहब आप मुझे बताइए, इफ्तिखार साहब आप मुझे बताइए मुख्तसर अल्फाज में। सर कहने तो हमारी देख ली। जी 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 माजे साहब, देखिए आई रियली फर्स्ट ऑफ ऑल माय सैल्यूट टू इनाम साहब, ही रेज सम फैंटास्टिक पॉइंट्स। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था राजन जी से, जो उनका रिस्पांस अवेटेड है, दैट इज इनाम साहब ने कहा कि एज अ सिविल सोसाइटी, एज श्रीनगर हैज रिजन, लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, वेयर अ फ्यू 100 फैमिलीज इन फरीदाबाद,
हमने यहाँ पे एज कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव पूल्ड मनी नील ऑक्सीजन अवेलेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ कश्मीरी पंडित्स नहीं किसी को भी चाहिए. माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर फोर फाइव अदर डॉक्टर जिनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेंसी है ही इज अवे टिल 1 o'clock इन द नाइट. वो जिसको भी चाहिए जो इनाम साहब ने आई एग्री मैंने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर आई सेड इज फॉलन अपार्ट आई सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग. लेकिन जो इनाम साहब ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि एज अ सिविल सोसाइटी जम्मू प्रोबेबली हैज नॉट रिजन टू अ लेवल जो इनाम साहब ने कश्मीर के लिए कहा और जिसकी मैंने एक छोटी सी माइन्यूट एग्जाम्पल दी आपको फरीदाबाद के लिए. सो उसके लिए मैं राजीव साहब से आई टेक अ मिनट रिक्वेस्ट से बताएं क्या हो रहा है. नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है बट आप ये लेके चलिए देखो चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है चाहे वो सिविल सोसाइटी है सोशल वर्क इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. ये आप मेरे साथ एग्री करेंगे. जैसे मैं आपके साथ पैनलिस्ट पे बैठ सकता हूँ लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे ग्राउंड पे जाके आपने ये चीजें अरेंज करनी है इनको मैनेज करना है दैट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है. सोशल वर्क इज नॉट एन इजी जॉब. आई 110% ये इनिशिएटिव ऊपर से ही आना. ऊपर से आने का मतलब है जिसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है उस सर्व द ह्यूमैनिटी है आपको उस टाइप के नहीं मैंने आपको बोला ना टू सर्व ह्यूमैनिटी आपने सोशल वर्क करना है टू सर्व ह्यूमैनिटी जीड टू सर्व ह्यूमैनिटी इज अ मस्ट. अब उसमें दो चीजें आती हैं. मैंने आपसे पहली रिक्वेस्ट की कि चैम्बर का मैंने हाल आपको बता दिया कि बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली एक चैम्बर के साथ चलती है आपस में बैठते हैं गुफ्तगू होती है कि हमने ये चीज करेंगे हम ये चीज करेंगे ये चीज लेकिन वो नहीं कर पा रहे उसका मैंने रीजन आपको बताया. इसी तरीके से सिविल सोसाइटी में आगे हमारे डॉक्टर इंजीनियर एंड एफिलिएट क्लास जो आप कर सकते हैं लेकिन somehow नहीं कर पा. लेकिन उसमें भी मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करूंगा. कुछ है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी फनून कश्मीर ने पिछले 3-4 दिन से शायद कुछ एक सेटअप स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने सीटी स्कैन आपका सिलेंडर आपकी कंसल्टेशन ये स्टार्ट की है. इसी तरीके से कुछ हमारे सिख भाइयों ने स्टार्ट किया है कुछ डॉक्टर्स ने अपना इनिशिएटिव लिया हुआ है. बट मैंने पहली चीज आपको बोली कि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोई उस सेटअप में नहीं है कि जहां इंसान जाके उस चीज को ऑगमेंट कर पाए. अब इसी में एक और चीज में मैं आता हूँ जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक श्राइन बोर्ड है जिसके अंडर एक नारायणा हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है 400-500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बड़ा फैनफेयर हुआ जी दिस ऑगमेंटेशन ऑफ आवर उधमपुर को इससे सपोर्ट मिलेगी कटरा में पिलग्रम आते हैं उनको सपोर्ट मिलेगी. बट प्रैक्टिकली आज की डेट में क्या है जितना लीडर है जितना आईएएस ऑफिसर है जितना जिसको आईएएस ऑफिसर आईएमसीएस को आईपीएस ये कैटेगरी उनके लिए बन गया वीआईपी हॉस्पिटल. बाकी कैटल क्लास हॉस्पिटल जीएमसी वो आम पब्लिक के लिए तो प्रैक्टिकली वहां क्या डिफिकल्ट. जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं सेना साहब ने अपनी बेटी को एडमिट करवाया था जीएमसी में बट फिर उसको अल्टीमेटली शिफ्ट कर लिया नारायणा में. क्यों देखिए राजन साहब यहां आपको टोकूंगा डायरेक्टर हेल्थ और वो एडमिट कहां होते हैं जाके नारायणा हॉस्पिटल. Why? नहीं देखे आपने घुमाया फिराया आप नारायणा अस्पताल चले गए एलजी सिन्हा की बेटी साहिबा की बात की लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया. राणा साहब आपसे आने से पहले मैं इफ्तिखार मिसगर साहब से पूछूंगा. इफ्तिखार मिसगर साहब ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है लेकिन अब करना क्या है कैसे अब बचाएं जम्मू कश्मीर को इस वक्त. क्या ऐसे ही छोड़ दें जो ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स अपने रिमोट कंट्रोल पे किन आकाओं के लिए काम कर रहे हैं हम तो वो नहीं जानते. पॉलिटिक्स है क्या है हम वो भी नहीं जानते लेकिन अब किया क्या जाए कैसे बचाया जाए आवाम को मुख्तसर से अल्फाज में बताइए. देखिए माजिद साहब बहुत ही मैं चाहता था कि हम इसी बात पे आए कि अब व्हाट नेक्स्ट. देखिए जहां तक सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी आज की डेट में जो हमारी अनइन्फॉर्म्ड गवर्नमेंट है यहाँ पे जो स्टेट को चला रही है उनसे तो हमारी खैर तवक्कात बहुत कम है.
क्यों है तो वो आज का जैर बहस नहीं है। देखिए माजिद साहब, मैं कश्मीर की बात करूंगा बिलखसूस। हमारे कश्मीर में अभी फ्रूट हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, हमारे यहाँ पे जमींदार लोग अभी खेत खलियानों में जा रहे हैं, मिंगलिंग बहुत हो रही है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि वो लाना पड़ता है, उसके लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब मुल्क है, मुल्क बहुत गरीब हो गया, तो हम कम अज कम एक अवेयरनेस सरकार को चाहिए कि एक अवेयरनेस कैंप चलाए। इवन तो मैं इनाम साहब जैसे लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पे एनजीओ के साथ भी मुंसलिक रहते हैं और लोगों के साथ भी मुंसलिक रहते हैं, क्यों बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों के कानों में बात पहुंचानी है कि भैया आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन हमारे हम वी आर नॉट फ्री, क्यों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फेवर नहीं कर रहा है, इस बीमारी का कोई इलाज आज की डेट में नहीं है, हमें खुद को बचाना है, इसकी अवेयरनेस गांव देहात में पहुंचनी चाहिए क्योंकि बीमारी आज गांव देहात में है, दूर दूर गांव में जो आपके पास फिगर्स नहीं आ रहे हैं, दूर दूर गांव जात में ये बीमारी फैल गई है। अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जा सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट, इवन दो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी वो क्या कर रहे हैं, उनको तो तबादला नहीं कर पाए ये सरकार आज तक, एक पटवारी 50-50 साल से एक ही है, उसको कम से कम भेज दो आज, वो घर घर जाके अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाए। बहुत सारे लोग आज की डेट में, खैर वैक्सीन तो है नहीं लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो लाएंगे, वैक्सीन करने के लिए भी बहुत सारे लोग कतराते हैं, उसके लिए भी तैयार नहीं, लगता ही नहीं इसी से मर जाएंगे, तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर खुदा ना करे गॉड फॉरबिड थर्ड वेव अगर आएगी और हमारा बहुत सारा जानी नुकसान हो जाएगा, उस जानी नुकसान को बचाने के लिए सरकार को, सिविल सोसाइटी को, लोगों को, सबको एकजुट होके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की इस स्टेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक एक लास्ट पॉइंट रखूंगा मैं, जहां तक जम्मू डेफिनेटली बहुत पेन होता है क्योंकि वो हमारे भाई है, हमारे हमारी पहचान एक है, पहले जम्मू ही कहा जाता है फिर कश्मीर की बात आती है, ये स्टेट एक है, हम एक तमद्दुन के लोग है, एक कम्युनिटी है हम, लेकिन इतना मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि जम्मू के फिगर्स कुछ हमारे फिगर्स से अच्छे आ रहे हैं, उनमें मैनिपुलेशन कम है कंपेरेटिवली, जो कश्मीर के फिगर्स आ रहे हैं उनमें मैनिपुलेशन है, अदरवाइज डेथ रेट यहां पे बहुत ज्यादा है। थैंक यू, शुक्रिया इफ्तिखार साहब। इनाम साहब आप बताएं अब क्या करना है इन हालात में, आपको तो पता है रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं, सियासत चल रही है, सबोटॉच भी शायद, मुझे तो अपेरेंटली लगता है कि राजभवन का सबोटॉच कुछ सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, मैं ओपनली कहता हूं, मैं लिखता भी हूं ओपनली, देर आर सम ब्लैक शीप इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब की सरकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से वो उसको टेंट किया जाए, उसको हटाया जाए, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप मुझे बताइए अब क्या करना है इन हालात में। देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी हमारे हॉस्पिटल्स की, आप अंदाजा लगा लीजिए कि एम्स के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल है, एम्स की कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की थी, आप अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पर जो एम्स बाकी चीजों की डेवलपमेंट को डेवलपमेंट पार्ट जो ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट की लाज नहीं रखी, आज तक जीरो प्रोग्रेस है एम्स में, वो इमरजेंसी ब्लॉक नहीं बना सके, इमरजेंसी ब्लॉक नहीं बना सके, वो रोड नहीं बना सके, उन्होंने फेंसिंग नहीं की है आज तक, कम से कम हम नहीं एक्सपेक्ट करते, एक्सपेक्टेशन ये रखते कि वो एक साल में, दो साल में, तीन साल में, चार साल में हॉस्पिटल कंप्लीट कर लेते, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम तीन साल में, एक साल में एक इमरजेंसी ब्लॉक कायम कर सकते हैं। मैं उसी जगह पर जहां पर एम्स सेक्शन हुआ है वहां पर आपको माजी साहब, मुझे नहीं पता आप वहां गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन मैं बार बार वहां विजिट करता हूं, मैंने उसके मुकाबले में वहां पर जो एडजेसेंट एम्स के एडजेसेंट वहां पर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी IUST, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो 6-6 महीने में इतनी इतनी बिल्डिंगें बना रहे, आप हैरान हो जाएंगे उनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखकर, जहां एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इतनी 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 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 6 महीनों में 7 महीनों में बना सकते हैं, क्या हमारा एम्स इमरजेंसी ब्लॉक नहीं बन सकता है, क्या हमारी टेस्टिंग लैब नहीं बन सकती थी उस एम्स में,
आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोग लोगों में ये चीजें नहीं है। वो कहते हैं कि दिन निकला तो सही है, उनकी अफसरशाही चलनी चाहिए, बाकी लोग मरे जिंदा रहे उनसे खाली उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो मैन पावर की कमी है, मैंने कहा हम ले मैन है, आप मैं इफ्तिखार साहब रजन साहब ले मैन है, हमारे एक्सपर्ट इधर राणा साहब है। जब हम ले मैन ये चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, क्या इनके पास अल्लाह ताला ने इनको अकल भी दी है, कुर्सी भी दी है, ताकत भी दिया है, पैसा भी दिया है, ये क्यों नहीं इस्तेमाल करे? अगर मैन पावर की कमी है, मैं इनको सजेस्ट करता हूँ हमारे पास जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे फाइनल ईयर में, चाइना के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के यहाँ पर है, हमारे पास रशिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनल ईयर के अपने स्टूडेंट्स, चाहे वो जम्मू से कश्मीर से, उनको आप कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मत रखिए, उनको आप असिस्ट रख लीजिए किसी डॉक्टर के साथ, सीनियर डॉक्टर के साथ, रेजिडेंट के साथ, उसको असिस्ट करने के लिए, उसका वर्कलोड कम होगा और हम अपने डॉक्टर जो बनने वाले 5 महीनों में 1 साल में जो हमारे डॉक्टर बनने वाले उनकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं भी कोविड सेंटर में रहा हूँ, मैं ये बात आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन एक्सपीरियंस के बतौर मैं मजबूर हो गया यहाँ पर बताने के लिए। मुझे 10 चीजों में उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ता है, वो चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, लेकिन अगर मेरी जगह पर कोई थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट होता वो मेरे से ज्यादा कूप अप करता, उसको बात समझने मेरे से जल्दी बात समझ आती शायद, तो हम उनकी सर्विस यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने लास्ट ईयर वहां पर नर्सेज को निकाला, मुझे समझ नहीं आ रहा है नजरिया क्या है। मैंने उस वक्त भी स्टेटमेंट भी लिखा, ट्वीट भी लिखा, मैंने कहा आप खुद कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड वेव, देयर विल बी मोर डेंजरस देन दिस वेव जो लास्ट ईयर थी। मैंने कहा क्या आप उसको उस वक्त आप आग लगाने के टाइम उसको यहाँ पर अपॉइंट कर लेंगे, क्यों ना हम इन्हीं को रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास NHMC स्टाफ है, आप देख रहे हैं कि किस तरह वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे हेल्थ सर्विसेज के लोग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सिंग स्टाफ है, वो बेचारे उसी तरह के से काम करते हैं, लेकिन उनको भी कोई ना कोई एनकरेजमेंट होनी चाहिए, उनको भी लगना चाहिए, उनको भी कोई ये सर्विस गारंटी रहनी चाहिए कि अगर हम अपनी जान पर खेल रहे कि हमारे फैमिली को भी कल कोई केयर करने वाला होगा अगर खुदा ना खासा कुछ हुआ। आप मैं यहाँ की कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, प्रेस, बाकी चीजें आगे आ रहे। मैं मजबूर हुआ, आज मैंने कश्मीर चैंबर्स को चिट्ठी लिखी कि वो अपने काउंटर पार्ट से कहें कि अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी जम्मू के लोगों के लिए, हम देने के लिए तैयार है, हमारे लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे, उनको ये मिला, उनको ये मिला, अगर वहां पर कोई ट्रेजेडी हो रही है वो वी बिलोंग टू ईच अदर, वो ट्रेजेडी हमें हो रही है, अगर हमें यहाँ कोई ट्रेजेडी हो रही है वो उनको वहां हो रही है, हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरी इस वक्त गुजारिश जो होगी, जो हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, we have to make immediately district OPD centers operative. हमें district special OPD centers को operate करना होगा। दूसरी बात, हमें private nursing homes को take over करना चाहिए सरकार को, वहां non covid को आप ignore नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चंक है non covid emergencies का, वो ignore हो रहे हैं, अब उनकी mortality आपके पास नहीं है, covid का record रखते हैं, लेकिन जो नॉन कोविड इमरजेंसीज हैं उनकी मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ रही है, वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो किसी को घर में डेथ होती है, किसी और के पास डेथ होती है, वो अनअटेंडेड मर रहा है, उस चीज को हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स। तीसरी जो बड़ी बात है हमें स्टाफ ज्यादा से ज्यादा जल्दी, आप कह रहे हैं हमें लगाना है, इस वक्त जब यहाँ पर 60 लोग मर रहे दिन को, अब इसके बाद कब लगाएंगे आप? जब हालात बिल्कुल सही, आप रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर लगाओगे, जो हमने परसों भी देखा स्कीम्स में। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो डॉक्टर जानता है कि किसको जरूरत है किसको नहीं है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस तरह CD हॉस्पिटल में मैंने माजी साहब एक जबरदस्त सिस्टम देखा, वहां कोई भी पेशेंट आप नहीं देखेंगे कोई पेशेंट आपको CD हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगता होगा, जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी टाइमली उसको पहुंचा, उसके बेड पर पहुंचता है बंदा। आई एम विटनेस टू दिस फैक्ट। लेकिन मैं समझने से कॉशन हूँ कि सिक्किम से
क्यों हमें मैसेज बार बार आती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए? क्या हॉस्पिटल दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है? सरकार बोल रही है हमारे पास अवेलेबल है, हम हॉस्पिटल वालों को बेच रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। या तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है, उनको उनके पास हो कि भी वो पेशेंट को नहीं दे रहे, या फिर सरकार झूठ बोल रही है हमने हॉस्पिटल वालों को दे रहा है। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है सर जी, बहुत कोई झूठ। हाँ, लेकिन बेचारा पेशेंट नीचे सफर कर रहे हैं। एक और बात, एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, जिसके वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हम हर कोविड पेशेंट को एक ऑक्सीमीटर एक किट देंगे। कितना अच्छा होता माजी साहब, जहां हम ऑक्सीमीटर एस्थ्रोमाइसिन एवरमेक्टिन पैरासिटामोल उनको देते हैं, वहां क्यों ना हम एक एक छोटा सा सिलेंडर भी रख पाते, जहां हमें लगता कि किसी को 85 सैचुरेशन है, उस कोविड पेशेंट को हम कहेंगे आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, एक मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस पर किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस किट के साथ उसको वो सिलेंडर भी जाना चाहिए। और हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं पता उस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है, वो है रेड क्रॉस। मैं खुद रेड क्रॉस में रहा हूँ, आपको पता है काफी टाइम हमने वहां पर गुजारा है। मुझे दुनिया के सबसे बड़े दो ब्रांड है, एक कोका कोला और रेड क्रॉस। वर्ल्ड में देखेंगे हर कोई डिजास्टर के पहला रिस्पॉन्डर जो होता है वो रेड क्रॉस होता है, लेकिन ना जम्मू में कहीं रेड क्रॉस ना कश्मीर में कहीं रेड क्रॉस। बहुत सही आपने इनाम साहब, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सर मैं एक और चीज, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद भी रेड क्रॉस में रहा हूँ। हमारा जब भी कोई खुदा ना खासा कोई डिजास्टर आता है तो हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस मदद करता है। वो रेड क्रॉस वर्क्स ऑक्सिलरी विद द गवर्नमेंट। हमारे पास यहाँ रेड क्रॉस दोनों जगहों पर है, जम्मू में भी है कश्मीर में भी है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ डिजास्टर तो चल रहा है, वो रेस्पॉन्ड कब करेंगे? सब कुछ अवेलेबल होके भी, कॉन्टेक्ट और रिसोर्स अवेलेबल होके भी वो चुप के बैठे सोए हुए हैं। उन पर कहीं ना कहीं देश, वी शुड मेक देम अकाउंटेबल, क्योंकि उनका जो स्टाफ है दे आर वर्किंग अंडर JK सिविल सर्विस रूल, वो पैसा लेते हैं तनख्वाह पर है, हमारे तनख्वाह पर है। बहुत खूब इनाम साहब, अब मैं लास्ट का, क्योंकि वक्त की कमी है। राणा सर, आपने सबों की बात सुनी और कहीं ना कहीं आप भी सेटिस्फाइड नहीं लगे जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस से। जब आपके जैसा इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, रजन गांधी साहब जैसा इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप पब्लिक एलियनेशन समझ सकते हैं कि इस वक्त गवर्नेंस के खिलाफ कैसी है जम्मू कश्मीर में। सिर्फ अभी तक हम कश्मीर की बात करते थे, जम्मू के लोग भी गवर्नेंस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो सर, आप एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस है, आप हमें मत बताइए, आप अपने अल्फाज में सरकार को बताइए कि भाजपा की सरकार को, NDA गवर्नमेंट को, जहां जो यहां पे ब्यूरोक्रेटिक स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट, वो जो अफसरशाही स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट चला रही है, वो क्या करें, और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या करें कि हालात को सुधारा जाए। आप सिर्फ अब अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए इस पे, ये दोनों क्या करें, BJP क्या करे और राजभवन क्या करे। आई एग्री सी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इनाम साहब, ने बहुत बढ़िया तरीके से सम अप किया एंड ही थ्रू अप अ फ्यू गुड पॉइंट, बट दैट इज ओनली विद द सिविल सोसाइटी। बट as far as the ultimate responsibility is concerned, it stops at the door of the lieutenant governor. वो क्या infrastructure build up नहीं हुआ है एक साल में, the numbers have not gone up, the problem with the civil secretariat, be it the lieutenant governor or his team, which comprises the chief secretary, has been around for a pretty long time now. So I think he should not escape the responsibility. He has been there much prior to lieutenant governor also. So I don't know, he has to be somehow seen around, visible on the ground, visible to the people, reassuring people. And number two, that he is linked with the district headquarters. Marshalling the resources at district headquarters is not seen. Agar Iftikhar sahab is not satisfied with Anantnag, aap Srinagar se satisfied nahi hai. So ultimately, even linking with the civil society is their job. Civil society cannot link with the government. Government has to link with the civil society. So I would request the lieutenant governor and the rest of the administration to rise up to the level. It's not possible to meet all the challenges, but I think they're woefully falling short of the minimum basics, because it's not only on this platform.
I am in connect with people in Srinagar, my classmates, people with Jammu, my relationship also. Quite a few deaths have happened which were avoidable and which could be saved. I think that is the most important. जहाँ पे कोई आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही लॉस इज लाइफ इज वेरी पेनफुल जम्मू एंड श्रीनगर डजंट मेक द डिफरेंस टू मी श्रीनगर जम्मू एंड टू ऑल ऑफ अस इट डजंट मेक अ डिफरेंस सो द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट अप पुट इट्स हेड टुगेदर एंड द बक स्टॉप्स एट मनोज सिन्हा साहब ऑफिस ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बट प्रॉब्ली रेस्ट ऑफ द पीपल नीड टू गेट अप एंड एज आई सेड अर्लियर आल्सो finance and health at least for the next 6 months need to be segregated both are very important and the head of the health has to be held accountable in next 30 days he has to tell what will he deliver on the ground he has to spell it out and 15 days audit he has to tell us so this is where he has reached by shying away not being visible by not being communicative and telling people that this is what we will get delivered on the people. People will not get the confidence because COVID is as much a disease of health as much of mind. I have suffered COVID, been in for around 18 days. It needs as much of medical template, healthcare, as much of the confidence of the family. So for J&K, the family is the top management, which is the government. So I hope that they wake up, listen to the voices from the ground, which is not a complaint, which is something genuine which people are saying. So they should take it as a positive thing for them. And they have to wake up. I think when everybody, Jammu and Srinagar, if they are saying the same thing, there can't be a conspiracy against them. I hope this also brings J&K together. Thank you so much. जी सर बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन आज की इस डिबेट में देखिए हम डिफरेंट आइडियोलॉजी के पैनलिस्ट को लाए थे ताकि हर एक का व्यू पॉइंट सामने आए. कोई अपना व्यू पॉइंट जैसे रखना चाहते हैं वो रखे, लेकिन एक चीज देर कट सामने आई कि जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वह इस वक्त इस परेशानी में एकजुट है और हमारे पंडित भाई भी हमारे साथ हैं. और एक चीज जो जेन्युइनली लग रही है कि सरकार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं चला रही. और सबसे खास चीज कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो मैं अक्सर लेता रहता हूं उसमें हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब और हमारे फाइनेंशियल हेल्थ सेक्रेटरी अदल डुल्लू साहब, कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है और ये आंसरेबल हैं आवाम के सामने, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम एक डेमोक्रेसी है और ये पब्लिक सर्वेंट्स है, दे हैव टू बी अकाउंटेबल. ये काम हमारा नहीं होगा, ये काम हमारा ऑनरेबल राजभवन का होगा कि तमाम ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि यहां पर अब लोगों को रेस्पाइट मिले, क्योंकि इस तरीके से जो हालात अभी चल रहे हैं इससे लोगों में एलियनेशन बढ़ रही है और एक नए तरीके का एक वॉल्केनो बन रहा है जम्मू कश्मीर में. तो सरकार को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए और तमाम लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए. जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल हो सकता है वहां पे ब्यूरोक्रेट्स भी अकाउंटेबल होने चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.